सवाल तो बहुत बड़ा है और जवाब भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की, 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान मिला नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज़ को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फर्नांडिस जी, उन सबका राय मिलेगा, उन सबका साथ मिलेगा, और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन जमीन की लूट हो रही है, जल जंगल जमीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.